वेलकम क्लास 8 लेक्चर 5 मैथमेटिक्स क्यूब एंड क्यूब रूट। तो लास्ट लेक्चर में हमने आई पार्ट तक कर लिए थे क्वेश्चंस, अब हम जे पार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों के पास अब क्वेश्चंस नहीं हैं तो उनके लिए क्वेश्चन भी इंसर्ट करने पड़ेंगे। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन भी लीजिए। ये लीजिए बी क्वेश्चन नंबर हमने आई तक कर लिया था, जे पार्ट करेंगे 0.064। ठीक है जी, जे के एल एम आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, क्वेश्चंस आपके सामने है, स्क्रीन को पाउज कीजिए और क्वेश्चंस उतार लीजिए। ठीक है जी, तो करते हैं हम। ये तो घर आ गया, शुरू करते हैं जी। जे पार्ट है हमारा, जे पार्ट है 0.064। ठीक है जी, तो इसका हमने क्यूब रूट लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है, पॉइंट हटाना है तो लगाना है 64 के नीचे 1, 2, 3 ज़ीरोज़। ठीक है, इसका क्यूब रूट लिखना है ऐसे दोनों। फिर हमने ऊपर वाले का भी क्यूब रूट ऐसे ही लिखना है और नीचे वाले का क्यूब रूट भी ऐसे ही लिखना है, दोनों का क्यूब रूट लिखना है ऐसे। ठीक है जी, दोनों का क्यूब रूट लिखे, ऊपर वाले का क्यूब रूट अलग से निकालेंगे, नीचे वाला अलग से निकालेंगे। 64 का पहले निकालते हैं, 64 का निकालते हैं, 2 का 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 1, सॉरी 2 एंड 2 पे 1। तो ये इसके दो पेयर हो गए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब मैंने आपसे बोलोगे कि 1000 का क्यों नहीं निकाल रहे हो, 1000 का नहीं निकालेंगे, 1000 का आसान होता है, जीरो वाला काम बड़ा आसान है। तो 64 का हमने अंडर रूट निकाला, वो क्या आएगा, 2, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है जी, ये पेयर हमने लिख दिए। अब 1000 का जो हमने निकालना है, यहाँ पे हमने लिखना है इसको 10, 10 लिखेंगे, 10, 10, 10। ठीक है, तीन बार है ना, 10, 10, 10, 1000 हो जाता है, बड़ा आसान है, थ्री में से एक पेयर लेना है। ठीक है जी, अब चाहो तो 2, 2 के करते रहो फिर भी हो जाएगा, 2, 5, 2, 5, 2, 5 ऐसे भी बन जाएंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस क्लास में, इस बात में। ये हमने लिख लिए, ठीक है, ये 2, ये 2, ये 10, तो आएगा 4/10। ठीक है जी, 4/10 को हम डेसीमल में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 0.4। डेसिमल में शुरू था, डेसिमल पॉइंट कैसे लगेगा, एक अक्षर छोड़ के, एक ही जीरो है ना नीचे, इसलिए एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा। आगे वाली बात ये वही है, यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। फिर दोबारा देखते हैं इसे, ये डेसिमल में था, डेसिमल हटाया और मैंने यहाँ पे डिजिट काउंट किए 1, 2, 3 और तीन, नीचे तीन ही जीरो लगा दिए, डेसिमल की प्लेस पे हमने 1 लगाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ऊपर वाले का ऊपर क्यूब रूट, नीचे वाले का नीचे क्यूब रूट। अगर चाहो तो आप 1000 का भी ऐसे निकाल सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो ना तो 1000 का ऐसे निकालना है तो निकाल सकते हो। देखो 2, 5, 0, ठीक है, 5 पे 10, 2 पे 50, 5 पे 10 एंड 2 एंड 5। ठीक है जी, 2, 5, 5 पे 1, ठीक है, 3 5 होंगे, 3 2 होंगे, दोनों में से लेंगे तो 10 ही आएगा। फिर भी आप जैसे मर्जी करो आएगा 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो जैसे मर्जी कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। फिर हमने ऊपर वाले का क्यूब रूट निकालना है, नीचे वाले का भी निकालना है, आंसर में लिख देना है, डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिखना है, बस दैट्स ऑल, इतना ही है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। तो के पार्ट है हमारा 0.216, तो इसको भी ऐसे ही पहले क्यूब रूट लिखेंगे ऐसे, तो फिर क्या लिखेंगे, 216 और नीचे 1000, 1000 का क्यूब रूट हमने अभी निकाला है, दोबारा दोबारा निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है, 216 का हम निकालेंगे ऐसे, 2 पे 108, 2 पे 54, 2 पे, ठीक है, 2 27, ठीक है, फिर 3 पे 9, 3 पे 3, 3
थ्री पे वन, पहले भी हमने बहुत बार किया है, एक वन टू वन सिक्स का पहले भी आया है हमारे पास। तो ऊपर वाला बेटे ऊपर पे टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, और नीचे वाला मैं टेन 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 लिख देता हूँ। ये इसका क्यूब रूट, ये इसका क्यूब रूट, ठीक है। इसके पेयर बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे, नीचे वाले पेयर बनेंगे, ये आएगा टू थ्री, ये आएगा टेन, और ये आ जाएगा सिक्स अपॉन टेन। सिक्स अपॉन टेन को क्या लिखोगे आप, 0.6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आगे साथ में लिखेंगे यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। क्यों है परफेक्ट क्यूब? बिकॉज कोई भी पेयर हमारे पास ऐसे नहीं बचा जिसका पेयर ना बना हो, तीन दिन का पेयर सबका बन रहा है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। के पार्ट हो गया, अब हम करेंगे एल पार्ट। एल पार्ट, एल पार्ट है हमारा 2.744। इसको हम क्यूब रूट में लिखेंगे, पहले तो एज यूजल जैसे पहले ही लिखते हैं, फिर लिखेंगे 2744 ओवर 1000, ठीक है। तो ऊपर वाले का भी क्यूब, नीचे वाले का भी ऐसे, ठीक है। नीचे वाले का तो हमें आता ही है, 2744 का हमने निकालना है, ठीक है। 2 पे जाएगा 1, ठीक है, 6 सॉरी 3, 1372, ठीक है, 1372 द 14, 72 टू, आगे फिर 2 पे जाएगा ये, फिर आएगा 686, ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, फिर आएगा 343। तो 343 कितनी बार आ गया ना, 343 आपको याद हो गया होगा, 343 वाला डिजिट तो पता चल गया होगा कि 7 पे ही जाना है इसने, ठीक है। 7 पे जाएगा 49, 7 पे जाएगा 7, 7 पे जाएगा तो 1, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, नीचे वाला 1 नहीं आया, आपने लिख लेना है 1, ठीक है। 222777 क्यूब रूट डालेंगे, 2 2 2 7 7 7, नीचे वाला 10 10 10, नीचे वाला आसान है बड़ा, ऊपर वाला भी आसान ही है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ऊपर भी आएगा 2 × 7, नीचे वाला आएगा 10, वह आएगा 14/10, तो ये आएगा 1.4। तो हम आगे लिखेंगे यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था एल पार्ट। एम एन ओ, अब एम एन एंड ओ तीन पार्ट हमारे रिमेनिंग है। एम पार्ट करते हैं, एम पार्ट है 1.728 बेटे, इसका भी क्यूब रूट लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे 1728 ओवर 1000, ऊपर वाले का क्यूब, नीचे वाले का भी क्यूब, ठीक है। तो 1728 के हम ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। पीछे वाला हमें दिख रहा है 8 है, तो 2 पे जाएगा 864, 2 पे जाएगा 864, 2 पे जाएगा 432, फिर 2 पे जाएगा 216, फिर 2 पे जाएगा 108, फिर 2 पे जाएगा 54, 27, 37, ठीक है। तो ये 3 पे है, पीछे वाले की तरह ही है सेम, मैंने इसलिए देखा कि फिर दोबारा ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो पीछे वाले की तरह ही है सारा, थोड़ा सा ही चेंज होगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आएगा 2 2 2 3 3 3 2 2 2, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 पहले लिख लिया 3 बाद में लिख लिया, इस बात से हैरान मत होना। तो नीचे वाला फिर 10 आएगा ना, 10 10 10, ठीक है। तो इसका भी क्यूब रूट डाल देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 2 3, ठीक है। नीचे वाला आएगा 10, इसके पेयर्स करने हैं ना, 2 2 के ऐसे पेयर,
टू के ऐसे पेयर और थ्री के ऐसे पेयर, कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू टू द फोर, फोर थ्री द ट्वेल्व अपॉन टेन, 1.2। तो लिखेंगे 1 पॉइंट डेसिमल है आपने लिखना है। यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बड़ा आसान काम है, मैं इसलिए जल्दी, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन है हमारा एन पार्ट। 512 ओवर 3375। ठीक है, अब ऊपर वाला क्यूब एंड नीचे वाला क्यूब दोनों का, अब दो क्वेश्चन है, ये दोनों ही करने पड़ेंगे। 51, पहले तो 1000 वाला आसान था ना, तो अभी कोई आसान नहीं है, अभी तो करना ही पड़ेगा। 512 के बेटे फैक्टर्स करेंगे, 2 पे जाएगा तो आएगा 256, फिर 2 पे जाएगा ये आएगा 128, फिर 2 पे जाएगा 64, फिर 2 पे जाएगा 32, फिर 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जाएगा 8, और आगे ऐसे ही 2 पे जाएगा 4 एंड 2 पे जाएगा 2 एंड 2 पे जाएगा 1। ठीक है जी, ये इसके पेयर्स हो गए सारे। ठीक है, तो ये तो हमने एक काम कर दिया। दूसरे वाला काम क्या है हमारा, 3375, अब साथ में वो भी करना है। 3375, अब जो पीछे वाला डिजिट है 5 हो तो ये 100% होता है कि ये 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 3375 डिवाइड बाय 5 तो ये आएगा 675। फिर दोबारा ये बेटे 5 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 135, फिर दोबारा 5 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर आएगा 27, फिर 393331। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके फैक्टर्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम इसका क्यूब रूट लिखेंगे। ऐसे ऊपर वाला लंबी लाइन और नीचे वाला भी लंबी लाइन लगा के, ठीक है, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, नीचे वाला भी ऐसे लंबी लाइन लगा के क्यूब रूट, दोनों ही ऐसे लिखने हैं हमने। पहले ऊपर वाला हमारे पास क्या है, 512, ये 2 2 के कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स। ठीक है, 2 2 के 3 पेयर्स हैं, पहले 2 2 2 एक पेयर, 2 2 2 ये 2 पेयर, 2 2 2 3 पेयर। ठीक है जी, ये ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे वाला क्या है, 5 5 के एक पेयर है और 3 3 का एक पेयर है बस। ठीक है, 5 5 लिखेंगे और 3 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये इक्वल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इक्वल यहाँ पे डाला, ये लाइन लगाई, ऊपर आ गया 2 2 2, नीचे आ गया 5 3। ठीक है जी, तो ये आ गया 2 2 द 4 2 द 8 एंड 15, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने आगे वही लिखना, यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा एम पार्ट हुआ, अब हमारा पार्ट है एन। एन पार्ट है हमारा, एन हमने कर लिया, अब हमारा ओ पार्ट है। वो पार्ट है 1000। 1000 वाला आपको आता है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 1000 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 1331 ओवर 1000। इसका भी बेटे क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे, दोनों का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो ये 3133, 1 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको पता है, जब पहले भी किया था, 11 पे जाता है, ये भी 11 11 11 1। ठीक है, 1000 का आपको ऑलरेडी आता है, सॉरी 11 11, इसका बेटे क्यूब रूट लिखेंगे, इसका भी क्यूब रूट लिखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 11 अपॉन 10। तो कितना आएगा, 11 अपॉन 10। ठीक है, तो 11 अपॉन 10 को 1.1 नहीं लिखेंगे, इसको 11 ऐसे लिखेंगे, 10 के साथ ऐसे डिवाइड करेंगे, 10 1 द 10 1। तो आपको पता है ये कैसे लिखते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, बिकॉज जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर देना है उसका। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, 1 1 ओवर 10। ठीक है, तो ये आगे, यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, ओ पार्ट तक हमने सॉल्व कर दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। तो ये आपने बार बार इसे देखना है, करना है, आपको समझ आना चाहिए। मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी किया, क्योंकि पहले वाले लेक्चर्स में हमने समय लगाया था, अब कोई इतनी नीड नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में इतना ही समय लगाएं।
क्योंकि मेन बेसिक बात है जो क्यूब रूट निकालना वो आपको आना चाहिए, वो आपको आता भी है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।